हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका T20 लीग के मैच के बारे में और यह मैच खेला जाएगा प्रिटोरिया और कैप टाउन के बीच में। तो दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है, इस टॉपिक पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और यह टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि पिच की कंडीशन को देखते हुए कितने बल्लेबाज को हमें टीम में लेकर चलना है और कितने गेंदबाज को लेकर चलना है और किसको कैप्टन और किसको वाइस कैप्टन बनाना है, क्योंकि ये सारी जानकारी आपको पिच के आधार पर दी जाएंगी। बस आप वीडियो को ध्यान से देखना और कंप्लीट देखना, ओके। तो ये मैच 9 बजे खेला जाएगा और इस मैच की ऑफिशियल बैटिंग लाइनअप जो आपको मिलेगी वो आपको 8:45 पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो के टॉप के कमेंट में, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम पिच रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस, ये वेन्यू है सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन और यहां की जो पिच है थोड़ी सी डिफिकल्ट है बैटिंग करने के लिए और जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है वो अधिकतर मैचेस विन कर लेती है। यहाँ पर चेजिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है और एवरेज जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर निकल कर आया 156 आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 150 या 140 के बीच में आपको इस वेन्यू पर रन बनते दिखेंगे फर्स्ट इनिंग में, ओके। और यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ, बैलेंस पिच है और यहाँ पर थोड़ा बैटिंग करना मुश्किल होता है सेकेंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में तो टीम अच्छे खासा स्कोर कर लेती है लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा स्कोर रुक जाता है, ओके। अब हम बात करें दोनों टीम का कंपेरिजन। तो गाइस, यहाँ पर कैपटाउन ने पिछले 5 मैच खेले और सिर्फ एक ही मैच विन किया है और प्रिटोरिया कैपिटल्स ने पिछले 5 मैच में से 3 मैच विन करे हैं और इस टीम ने 2 मैच लॉस किए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको फिलहाल के टाइम पर प्रिटोरिया एक मजबूत एक स्ट्रॉन्ग टीम देखने को मिलेगी और एक हल्की टीम कैपटाउन देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं दोनों टीम्स की लाइनअप के बारे में विद बैटिंग ऑर्डर। तो गाइस, पिछले 5 मैच में प्रिटोरिया की जो बैटिंग ऑर्डर थी और लाइनअप थी वो इस प्रकार थी। हर एक प्लेयर्स का मैंने आपको रिसेंट फॉर्म लिखा कि पिछले 5 मैच में कौन से बल्लेबाज ने कितने रन बनाए हैं और किस नंबर पर बैटिंग करना आया। जैसे कुशाल मंडल और विल जैक्स इस टीम तरफ से एज ए ओपनिंग करते नजर आते हैं और दोनों ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया है इस टीम के लिए। जब भी दोनों खेले हैं एक लंबी पार्टनरशिप की है, 30-35+ हर मैच में दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो जाती है। टीडी बुरियान है जो कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं इसका जो परफॉर्मेंस है एक ही मैच में डाउन आया वरना हर मैच में इसने काफ़ी अच्छा दिया। कहना का मतलब 20+ रन बनाए तो 20+ का है कि 30+ पॉइंट दिए और 30+ पॉइंट जो T20 में दे जाए वो हमारी टीम में रहना चाहिए। रियालो रोसो बहुत बेहतरीन प्लेयर है लेकिन ये करंट फॉर्म काफ़ी डाउन है। इंडिया के सामने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था लेकिन इसने पिछले 5 मैच में 2 बार ही इसने सैकड़ा मतलब दहाई का आंकड़ा पार किया है वरना ये जल्दी ही आउट हो जाता है। फिर यहाँ से फॉर्च्यून है, ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा आपकी टीम में। जेम्स नीसम है जो कि फील्डिंग से भी और बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देता हो और यह हिटिंग के लिए भी जाना जाता है, तो आप इन्हें टीम में लेकर चलना। बोस्चे है, बॉलिंग का थोड़ा सा कम चांस लेते हैं लेकिन कभी कभी कर लेता है। वाइन परलेन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा और हिटिंग के लिए भी अच्छा कर लेता और बैटिंग भी आ जाती है तो रन बना ही लेता, प्लस ये आपको बॉलिंग से बहुत अच्छे पॉइंट दे जाएगा तो इसलिए हम इनको ड्रॉप नहीं करेंगे। मुथुस्वामी है जिसने इस टीम के लिए बॉलिंग सेक्शन में अपनी जगह बनाई है। आदिल रशीद बॉलिंग सेक्शन से और यहाँ से एंड्रिक नॉर्टे भी आपको बॉलिंग सेक्शन से देखने को मिलेगा। लेकिन बॉलिंग सेक्शन में आपको यहाँ पर समझाऊंगा किस किस प्लेयर को लेकर चलना, लेकिन अभी बैटिंग ऑर्डर से देख लेते हैं जो हमारी टीम में रहना चाहिए। कुशाल मेंडिस एक टेक्निकली साउंड प्लेयर है और एज ए ओपनिंग करेगा। विल जैक्स भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है और T20 ब्लास्ट में भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और टीडी बुरियान है, आप चाहे तो ले सकते हो क्योंकि इसका करंट फॉर्म फिलहाल टाइम पर फिर भी अच्छा है। टॉप 3 इस टीम की तरफ से काफ़ी अच्छे से बल्लेबाजी कर लेते हैं। रियालो रोसो को आप ग्रैंड लीग में जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जाना, मिनी ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो। फॉर्च्यून को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा लेकिन जेम्स नीसम को जरूर सजेस्ट करूँगा, प्लस हम वार्न पर्नेल को भी हम टीम में पिक करके चलेंगे, ओके। अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन ऑप्शन से। तो यहाँ पर आपको ओपनर बॉलर बोस्चे और वार्न पर्नेल देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से डेथ में भी आपको एंड्रिक नॉर्टजे, वैन परनेल और आदिल रशीद भी 16-17 ओवर लेकर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको एक की बॉलर्स के रूप में देखने को मिलेगा। अब यहाँ से पिछले 5 मैच में कौन से बॉलर ने कितने ओवर और कितने विकेट निकाले हैं वो आपको मैंने यहाँ पर मेंशन किया। जैसे बोस्चे है हर मैच में 2 या 3 ओवर कर लेता है लेकिन पर मैच में इसने विकेट निकाली, एक विकेट टेकर बॉलर है और ऐसे बॉलर्स को हम टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि डेथ में भी कहीं ना कहीं आपको कभी कभी मिल जाता है लेकिन ओपनिंग बॉलिंग तो यही कराता है और ओपनिंग अगर ये बॉलिंग कराएगा तो कहीं ना कहीं जो टीम बल्लेबाजी करे उसके ओपनर्स को तो यही गिराएगा, ये आपको याद रहे, लॉजिकली सोचना है ग्रैंड लीग में, ओके। वाइन परलेन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हर मैच में 3 ओवर कराता प्लस हर 2 मैच में विकेट निकाल लेता है तो इसलिए इनको भी लेकर चलेंगे। एंड्रिक नॉर्टजे है एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको भी ड्रॉप नहीं करेंगे। आदिल रशीद है, इनको भी ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत क्लास बॉलर है और ऐसे प्लेयर्स को हम ड्रॉप बिल्कुल नहीं करते। जेम्स नीसम है जो बैटिंग से पॉइंट दे सकता है, 1-2 ओवर आपको करा के भी देगा, विकेट मिले तो सही वरना
पॉइंट तो फिर भी 10-15 दे ही जाएगा। विल जैक्स है, एक दो ओवर करता है, कभी कभी नहीं भी करता, तो इसमें ज़्यादा बॉलिंग से हम इसको उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन बैटिंग से उम्मीद कर सकते हैं जो कि ओपनिंग करता है। तो हमारी टीम में जो बॉलिंग सेक्शन से इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल कर आते हैं, बोस्चे, वाइन परनाल, एंड्रिक नॉर्जे, आदिल रशीद, और हमें तो इन सभी बॉलर्स को लेकर चलना है, क्योंकि यार दोनों को बैटिंग अच्छी है और बाकी की बॉलिंग अच्छी है, तो इनको लेकर चलना है विक्टोरिया, इसलिए इस मैच में एक स्ट्रॉन्ग टीम है। ओके, अब हम बात करते हैं जो दूसरी टीम है कैप टाउन, उसकी जो प्लेइंग 11 है उसके बारे में। तो दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर हर रोज मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बात करते हैं कैप टाउन पॉसिबल लाइनअप किस तरह की है, तो आपको ये देखने मिलेगी पॉसिबल लाइनअप कैप टाउन की तरफ से। इस टीम की तरफ से कौन से बल्लेबाज कितने नंबर पर बैटिंग करता है और पिछले 5 मैच में इस टीम के लिए कितना परफॉर्मेंस किया, वो आपको मैंने मेंशन किया। जैसे ब्रेविस है, ये बहुत अच्छा प्लेयर है, इस सीजन में इसने इतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन ये क्लास प्लेयर है और ये काफ़ी हिटिंग के लिए जाना जाता है। और यहाँ से रियल ऑप्शन, जो कि प्रीवियस सीजन इसी टीम की तरफ से टॉप हाइस्ट गोल मतलब स्कोरर था, और इसने 2-3 मैच ही एवरेज परफॉर्मेंस किया, वरना 2 मैच में इसने काफ़ी अच्छा गोल मतलब स्कोर भी खड़ा किए हैं। अब हम यहाँ से वांडर रूशन है, जो कि एक टेक्निकली साउंड प्लेयर है, और ऐसे प्लेयर्स को हम बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते। जॉर्ज लेंड है, जो कि बॉलिंग से भी प्लस बैटिंग से भी आपको अच्छे पॉइंट देंगे। बात करते हैं बॉलिंग के, बॉलिंग से खास पॉइंट नहीं निकाले, लेकिन बैटिंग से अच्छे खासे रन बना लेता है। टिम डेविड है, हिटिंग के लिए जाना जाता है और कभी कभी बॉलिंग भी कर लेता है। ऑडेन स्मिथ है, ये वेस्ट इंडीज प्लेयर है, और आप जानते हो वेस्ट इंडीज जो प्लेयर्स होते हैं वो बैटिंग के लिए कितने हिटिंग में जाने जाते हैं, प्लस अपने बॉलिंग जो लाइन लेंथ है उसके लिए भी जाने जाते हैं, तो इसलिए आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। बाकी आपको बॉलिंग सेक्शन से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जब हम बॉलिंग सेक्शन देखेंगे तब इनमें से आपके लिए क्लियर बताएंगे। लेकिन बैटिंग सेक्शन से जो आपकी टीम में अभी के लिए होना चाहिए, ब्रेविस को आप पिक कर लेना, क्योंकि हिटिंग में ये आ जाता है, अगर इसने 20 रन बनाए उसमें 2 छक्के 1 चौका शामिल किया तो भी कहीं ना कहीं पॉइंट दे जाएगा। फिर आपके सामने रियल ऑप्शन है, जो कि एक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यार विकेट कीपिंग भी यही करता है, प्लस ये आपको टेक्निकल प्लेयर है, क्या पता इस मैच में अच्छा कर जाए और अच्छा खासा रन बना लेता है। फिर यहाँ से वांडर डूस है, तो आपको पिक करके चलना ही चलना है। जॉर्ज लिंडे को भी ड्रॉप नहीं करना, क्योंकि बॉलिंग कर लेता है। टिम डेविड है, ट्राई कर सकते हो मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में, लेकिन समोल लीग में अभी क्लियर ट्राई नहीं करा। ऑडेन स्मिथ है, आप इन्हें पिक करना, क्योंकि बॉलिंग से कन्फर्म और प्लस बैटिंग से भी पॉइंट दे ही जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं ओपनर बॉलर इस टीम की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे हैंड्रिक्स और रबाडा, फिर डेथ में आपको रबाडा और यहाँ से डुआन जेनसन। और डुआन जेनसन जो है ना वो काफ़ी लंबा कद का प्लेयर है और ये बाउंस काफ़ी अच्छा डाल लेता है, तो कहीं ना कहीं आप इन्हें अपनी टीम में जरूर ले चलना। बॉलिंग का जो स्टेट्स है आपको इस तरह देखने को मिलेगा इस टीम की तरफ से, जो पिछले 5 मैच में कौन से बॉलर ने कितने ओवर किए। जैसे हैंड्रिक्स है, इसने 1 मैच खेला है उसमें 2 ओवर किए हैं, लेकिन ये 4 ओवर कंप्लीट करता है। कैसिको रबाडा है, ऑब्वियसली क्लास बॉलर है और हर मैच में विकेट भी लिया है, और इनको लेकर चलेंगे, प्लस वाइस कैप्टन कैप्टन भी आप रख सकते हो। फिर यहाँ से जेनसन है, 1 मैच में इसने 4 ओवर किया, 1 ही विकेट निकाली, लेकिन ऐसा ही बॉलर ही हर मैच में विकेट निकाल ही लेता है। ऑडेन स्मिथ है, ये 2-2 या 3-3 ओवर हर मैच में कर लेता है और विकेट भी निकाल लेता है 1-2 ओवर में ही। ओके, राशिद खान ऑब्वियसली क्लास बॉलर, जो अपनी टीम तरफ से की बॉलर्स में आता है, प्लस आपको हिटिंग भी करके दे सकता है, तो ले लेना। टिम डेविड है, ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। जॉर्ज लिंड है, जो कि हमारी टीम में रहेगा, इनको हम ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर लेता है। तो बॉलिंग सेक्शन में आपके सामने जो ऑप्शन है, जॉर्ज लिंडे, राशिद खान, ऑडियन स्मिथ और यहाँ से कसी को रबाड़ा, जेनसन और हैंड्रिक्स, इनमें से एक को पिक करना। आई थिंक मैं अपनी टीम में जो पिक करूँगा ना वो जेनसन रहेगा, तो इन्हीं लेकर चलेंगे। ओके, तो आई होप दोनों टीम्स की जो आपको लाइनअप है और जो बैटिंग ऑर्डर है, बॉलिंग स्टैट्स है, वो आपको इजीली समझ में आया होगा। और इसी प्रेडिक्शन को देखते हुए और इसी पिच की रिपोर्ट को देखते हुए हमें अब इस मैच में अपनी ड्रीम 11 टीम क्रिएट करनी है। अब किस किस प्लेयर को लेकर चलना है अकॉर्डिंग टू पिच रिपोर्ट, तो चलिए हम देखते हैं टीम को। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन से। मैंने जैसे पहले ही बताया, जो यहाँ पर पिच है 150 प्लस आपको रन बनते दिखेंगे इस वेन्यू पर, और चेंजिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जब हम टीम क्रिएट करेंगे, जो टीम पहले बॉलिंग कराएगी उसके पहले हम फास्ट बॉलर को लेकर चलेंगे, और जो टीम मतलब बाद में चेंज करेगी हम उसके टेक्निकली प्लेयर्स को लेकर चलेंगे। जैसे कि कुशाल मेंडेस है, एक बहुत अच्छा प्लेयर है, तो हम ड्रॉप नहीं कर सकते। रोल ऑप्शन है, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, बैटिंग से भी प्लस विकेट कीपिंग से दोनों से पॉइंट देगा, तो आप चाहे तो दोनों को अपनी टीम में ले सकते हो। फिलिप साल्ट, रिकेल्टन और फॉर्चून, इनको मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँ, क्योंकि खेलने के भी चांस इनके लेस हैं। अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन से, तो विल जैक्स एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कभी कभी 1-2 ओवर कर लेता है, प्लस ओपनिंग करता है, और ओपनिंग में इसने अच्छे खासे पॉइंट दिए हैं मतलब रन बनाए हैं। फिर यहाँ से
वांडर डूशन एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है और काफ़ी अच्छा स्टार्ट करता है, टिक कर खेलता है, पिच को देखते हुए काफ़ी अच्छा प्लेयर्स मुझे ये आज के मैच में लगा है। ओके, टिम डेविड है, अभी के लिए मैं पिक नहीं करूँगा। ब्रेविस है, आप इन्हें जरूर पिक करना क्योंकि ये हिटिंग के लिए जाना जाता है, प्लस ओपनिंग करता है, तो इसलिए इनको ड्रॉप करना मतलब ट्राई करना है। रेलाई रोशो एक क्लास प्लेयर है, ग्रैंड लीग में जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन आज के मैच में आप जरूर बनाना। ओके, ये ग्रैंड लीग की पिक है। फिर यहाँ से टीडी बुरियान है, मैं अभी के लिए ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी जो ऑप्शन बचते हैं इनमें से किसी भी प्लेयर को हम नहीं लेंगे अभी के लिए। हम ब्रेविस को ले सकते हैं, अभी ले सकते हैं, अभी के लिए ड्रॉप करते हैं। अब हम यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन उनको लेते हैं पहले। फिर यहाँ से वाइन पर्नेल है, ओडेन शिमित है, जेम्स नीसम है, जॉर्ज लिंडे है। देखो लिंडे को ड्रॉप नहीं करना मुझे, वाइन पर्नेल को भी ड्रॉप नहीं करना, प्लस हमें जेम्स नीसम को भी ड्रॉप नहीं करना क्योंकि प्रिटोरिया एक मजबूत टीम है, तो कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स आपको इंपॉर्टेंट रोल दिखाएंगे। ओके, फिर यहाँ से जेन शेन है जिनको हम ट्राई करेंगे बॉलिंग सेशन, अगर आपको लगता है कि एक दो विकेट ले सकता है तो उस कंडीशन में इनको लेना, सैम कुरन नहीं खेलेगा। ओके, बाकी यहाँ पर मुथुस्वामी ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में, एंड्रिक नॉर्जे, कसिगो रबाडा, राशिद खान, आदिल रशीद, बॉश और जोफर आर्चर तो नहीं खेलेगा, लेकिन देखो ये ऐसे ऑप्शन है जिनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि यार ये विकेट निकाल ही लेते हैं। और हमने इस पिच को देखा है, पिच को देखते हुए हमें ये लगा है कि कहीं ना कहीं बॉलिंग को फेवर करेगी पिच, तो आई थिंक हमें इन बॉलर्स को अपनी टीम में लेकर चलना है। देखो ये डेथ में करेगा, ये डेथ में करेगा, ये डेथ में भी करेगा, बैटिंग से पॉइंट देगा, बॉलिंग से पॉइंट देगा। आदिल रशीद डेथ में कर लेगा, बॉस चाहे विकेट टेकर है, हाईएस्ट विकेट कटर, इनको ड्रॉप नहीं करेंगे। अब आपको ग्रैंड लीग में करना है, हैंड्रिक करना है, बाकी यहाँ पर कोई खेलेगा नहीं। और यहाँ पर आई थिंक देखो मैं सबको पिक करने वाला हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका रोल थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। तो हमें अपनी टीम में किसको ड्रॉप करना, अभी के लिए हम बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करते हैं, तो राशिद को पिक करते हैं। कैप्टनसी की बात की जाए ना, कैप्टनसी की, तो कैप्टनसी मिड टीम में अभी के लिए जो आएगी जॉर्ज लिंडे के साथ, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बेस्ट है मेरे लिए। ओके, वाइस कैप्टनसी मैं टॉस पर डिपेंड करता है क्योंकि टॉस अगर जो टीम जीतेगी टॉस और उसके हिसाब से देखा जाएगा कि डेथ में कौन बॉलिंग करेगा, उसका हम बॉलर्स को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन देंगे। अभी के लिए मैं अपनी टीम में एज ए वाइस कैप्टन लेकर चलता हूँ मोहम्मद राशिद खान को। ओके, तो इनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते, कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हीं को बना के अभी के लिए हम चले हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको वीडियो में समझाए वो इजीली समझ में आए होगा, वीडियो के जरिए आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली आई होप वो आगे ज़रूर काम आएगी आपके लिए। तो इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का खात्मा, और आपको जो अगर अलग ऑप्शन में देखने को मिलते हैं जिन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो तो यहाँ पर ये बेस्ट ऑप्शन है, आप इन्हें अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन आराम से कर सकते हो। लेकिन फाइनल कॉल मेरी वाइस कैप्टनसी की लाइनअप के बाद टॉस के बाद क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।